नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए वही काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का यह बयान उस वक्त आया है जब राहुल गांधी लगातार एनआरसी और सीएए को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। हम आपको गिरिराज सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। निर्देश है, हमको निर्देश है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का निर्देश है, सबका साथ सबका विकास। ये तो गोल मटोल जवाब है। गोल मटोल नहीं है, 100% है। कोई माइका लाल कहते कि मैंने उज्ज्वला में हिंदू और मुसलमान किया, कोई माइका लाल कहते कि हमने शौचालय में किया, जब मैंने उज्ज्वला में नहीं किया, आयुष्मान भारत में नहीं किया, तब अब जब 9,00,000 करोड़ अगर हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दिया उसमें नहीं किया तो लोग भारत को डराना चाहते हैं। राहुल गांधी ओवैसी सर, मैं किसी भी मुसलमान को आयुष्मान भारत लेने में तकलीफ हुई, किसी को उज्ज्वला लेने में तकलीफ हुई, किसी को वोट लेने में, तो जो अब तक भारत का है उसे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो हो रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग को, जो देश में बगावत फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या देश बताए जो घुसपैठिए हैं उनको भारत को धर्मशाला? कांग्रेस ने 1971 में श्रीमती गांधी ने कहा कि हमारी आबादी अपने विस्फोटक है, हम बम घुसपैठियों का भार नहीं थम सकते। लेकिन न वो सिटीजन एक्ट ला पाई, न उनको निकाल पाई, क्योंकि कठमुल्लों के आगे घुटने टेक दिए। हमारे लिए भारत प्राथमिकता है और भारत में भारत की मजबूती के लिए हमने कदम उठाया है और हम उस पर अड़े हैं, खड़े हैं। सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उन्हें देश जवाब देगा। मैं यही कह रहा हूं, गवर्नमेंट का कंसेप्शन क्लियर है कि 70 साल से जिन हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन जिनको प्रताड़ित किया गया है, वहां से अनुसूचित समाज के लोग जो आज तक नर्क की जीवन जी रहे हैं। मैंने दिल्ली में एक हिंदुओं की बस्तियों को गोद लिया हूं, मैं उनकी पीड़ा को जानता। जब वो कहते हैं कि हमें नहीं जाऊंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़े, इसी 6 महीना पहले, क्योंकि हमारी बेटी वहां सुरक्षित नहीं है। मैं डेटा नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का डेटा है कि प्रतिवर्ष 1,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा। और ये सच नहीं है कि धर्म के आधार पे हुआ तो आज वहां हिंदू less than 1% प्रैक्टिकली बच गए हैं। क्या हिंदू की बहु बेटी जैन सिख की बहु बेटी बांस थी? नहीं। पुरुष नपुंसक थे? नहीं। इन्होंने बाप जबरदस्ती, कानून नाम का कोई चीज नहीं रहा, लियाकत अली पैक्ट को इन्होंने ताके पर रख दिया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया। अभी तो आपने क्रिकेटर का सुना ही होगा, दानिश का, लिया दानिश का, दानिश ने जो सब किया। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान में केवल 40 मंदिर बचे, यही था लियाकत अली पैक्ट। और भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि उनको हम यहाँ सम्मान दें, उनको नागरिकता दें? मैं तो कहता हूं नागरिकता भी मिलेगी, अब मेरा कमिटमेंट है, और उन्हें अब घर भी मिलनी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके पहले भी जब भी राहुल गांधी किसी मुद्दे को लेकर बोलते हैं तो गिरिराज सिंह फौरन सामने आ जाते हैं और हर एक सवाल का अपने अंदाज में जवाब देते हैं। गिरिराज सिंह ऐसे विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन जब से उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देना शुरू किया है तब से हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
निर्देश है, हमको निर्देश है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का निर्देश है, सबका साथ सबका विकास। ये तो गोल मटोल जवाब, गोल मटोल नहीं है, 100% है। कोई मायका लाल चाहते कि मैंने उज्ज्वला में हिंदू और मुसलमान किया, कोई मायका लाल कहते कि हमने शौचालय में किया, जब मैंने उज्ज्वला में नहीं किया, आयुष्मान भारत में नहीं किया, तब अब जब 9,00,000 करोड़ अगर हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दिया उसमें नहीं किया, तो लोग भारत को डराना चाहते हैं। राहुल गांधी ओवैसी सर, मैं किसी भी मुसलमान को आयुष्मान भारत लेने में तकलीफ हुई, किसी को उज्ज्वला लेने में तकलीफ हुई, किसी को वोट लेने में, तो जो अब तक भारत का है उसे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो हो रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग को, जो देश में बगावत फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या देश बताए जो घुसपैठिए हैं, उनको भारत को धर्मशाला? कांग्रेस ने 1971 में श्रीमती गांधी ने कहा कि हमारी आबादी अपने विस्फोटक है, हम बम घुसपैठियों का भार नहीं थम सकते। लेकिन न वो सिटीजन एक्ट ला पाई, न उनको निकाल पाई, क्योंकि कठमुल्लों के आगे घुटने टेक दिए। हमारे लिए भारत प्राथमिकता है, और भारत में भारत की मजबूती के लिए हमने कदम उठाया है, और हम उस पर अड़े हैं, खड़े हैं। सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उन्हें देश जवाब देगा। मैं यही कह रहा हूं, गवर्नमेंट का कंसेप्शन क्लियर है कि 70 साल से जिन हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन जिनको प्रताड़ित किया गया है, वहां से अनुसूचित समाज के लोग जो आज तक नर्क की जीवन जी रहे हैं, मैंने दिल्ली में एक हिंदुओं की बस्तियों को गोद लिया हूं, मैं उनकी पीड़ा को जानता। जब वो कहते हैं कि हमें नहीं जाऊंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़े, इसी 6 महीना पहले, क्योंकि हमारी बेटी वहां सुरक्षित नहीं है। मैं डेटा नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का डेटा है कि प्रतिवर्ष 1,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा। और ये सच नहीं है कि धर्म के आधार पे हुआ तो आज वहां हिंदू less than 1% प्रैक्टिकली बच गए हैं। क्या हिंदू की बहु बेटी जैन सिख की बहु बेटी बांस थी? नहीं, पुरुष नपुंसक थे? नहीं, इन्होंने बाप जबरदस्ती, कानून नाम का कोई चीज नहीं रहा, लियाकत अली पैक्ट को इन्होंने ताके पर रख दिया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया। अभी तो आपने क्रिकेटर का सुना ही होगा, दानिश का, नहीं लिया दानिश का, दानिश ने जो सब किया। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान में केवल 40 मंदिर बचे, यही था लियाकत अली पैक्ट। और भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि उनको हम यहाँ सम्मान दें, उनको नागरिकता दें? मैं तो कहता हूं नागरिकता भी मिलेगी, अब मेरा कमिटमेंट है, और उन्हें अब घर भी मिलनी चाहिए। भाइयों और बहनों, जो आज यहां ठंड में सर्दी में सत्याग्रह के लिए आए, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और सिर्फ मैं नहीं, देश आपको धन्यवाद करता है। जो लोग आज इस सत्याग्रह को टेलीविजन पे देख रहे हैं, उनका मैं भी यहां स्वागत करता हूं। देश एक आवाज होती है, और आज जो हमने प्रियम्बल पढ़ा, संविधान पढ़ा, वो हिंदुस्तान
कि जनता की आवाज थी, उस आवाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आवाज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया, प्यार से, शांति से, मगर बिना पीछे हटे। उसी आवाज ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया, भाखड़ा नंगल बनाया, रेलवे लाइनें लगाई, एयरपोर्ट बनाए। उस आवाज के बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस आवाज को दबाया जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की उन्नति को नष्ट किया जाए, तोड़ा जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की शक्ति, हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए। और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका।